एक व्यक्ति करके दिखाता है। गांव आता है, पिछले दो तीन साल से मैं देख रहा हूँ कुछ नहीं करता। मैं बोलता है बैठ जा तू थोड़ा देर, ना मैं तो जा रहा हूँ, कभी बाकरी चोगा, कभी कुछ करना, कभी खेतों में करना, कभी कुछ करना। ऐसे है व्यक्ति, ये कहते नहीं, ये करके दिखा रहे हैं। ये भी एक योगदान है और करना चाहते हैं यहाँ के। यहाँ पर बैठे हुए भाई दौलत राम जी हैं और शांति डोभाल जी हैं, आप भी बहुत बहुत पुरुषार्थी हैं और बहुत संघर्षशील है इस व्यक्ति का। अजूनी राणा है, यहाँ महिला शक्ति बैठी है, परमिला जी बैठी है और बचना शर्मा। बचना शर्मा भी एक ऐसा नाम है जो अनवरत संघर्षरत रहती है। इन्होंने भी अपना एक स्थान बनाया है। यह नीरू जोशी है यहाँ पर और मैं इनका नाम क्या, हाँ चंदा जी, अच्छा तो यहाँ तमाम लोग बैठे, अगर मैं सबका नाम लूंगा तो मेरे ख्याल से आगे भी नहीं जा पाएंगे। मामा मातवर जी हैं, महावीर रावत जी हैं और अपने प्रीतम सिंह रावत जी हैं, बहुत लोग आए हुए यहाँ। मैं साथियों एक चीज बता देना चाहता हूँ कि जो तो न लड़का तीन कहीं तो पता न थी, लेकिन ये ना बोलो कि बीजेपी आज है, ये गलत बात है, मेरा ऑब्जेक्शन है। हमारे परिवार ने हमेशा यहाँ लड़ाई लड़ी है, आपको बता रहा हूं। आज तो पढ़े लिखे लोग हैं, आज तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, सुन लो, डिस्टर्ब मत करिए भाई, आज पढ़े लिखे लोग हैं, उस समय कोई पढ़ा लिखा भी नहीं था, सब अनपढ़ लोग थे। उस जमाने में मेरे परिवार में अमित चौहान जी हैं, आपसे परिचय करा रहा हूं, ये स्वर्गीय केवल राम जी जो वहां के विधायक रहे चौपाल के, उनके पुत्र हैं और वहां से ये भी टिकट के लिए एक टिकटार थी और प्रत्याशी हैं और हमारी, हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनको टिकट मिल जाए। और विजय रावत जी हैं, तमाम लोग हैं, सुंदर रांटा जी है, सबका नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि समय का अभाव है। मैं इतना बता रहा था, फिर मैं और बात करूंगा कि हम सन 93, वैसे तो हमारे परिवार ने हमेशा संघर्ष करा, जो बात आज कर रहे हैं, मेरे पिताजी ने इतना संघर्ष करा और ये इनका परिवार हमारे कंधे से कंधा मिला करके उस जमाने में करा, बहुत ज्यादा संघर्ष करा। आप सब लोगों को पता है स्वर्गीय पंडित शिवराम जी 93 में कोई जानता नहीं था भारतीय जनता पार्टी को और बहुत अच्छा वोट लेके गए। फिर 96 में भी 2002 में मैं स्वयं लड़ा, यहीं पर जो है एक फील्ड है यहाँ पर बड़ा बुरा डोखरो, तो उसमें हजारों हजारों भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, ये बात भूलिए। हाँ ये जरूर है कि जब हमको नहीं मिला टिकट उसके बाद थोड़ा बीजेपी का डाउनफॉल आया, ये मैं मानता हूँ। उसके बाद मधु चौहान जी, मुन्ना सिंह चौहान जी आए और उसके बाद जो है उन्होंने भी भाई बहुत ताकत दी है, मैं ये मानता हूँ। लेकिन ये जरूर मानना पड़ेगा कि ये भारतीय जनता पार्टी है, ये राष्ट्रवादी पार्टी है। यहाँ पार्टी बाद में आती है, पहले राष्ट्र आता है, फिर पार्टी आती है, फिर मेरा नाम आता, फिर व्यक्ति आता है। ये नहीं होगा कि एक ही क्या बोला मेरा खप्पर भरो और जोगी मरो, ऐसा नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी भी मानती इसको। और अब टिकट के लिए तो सभी आप भी थे, मैं था पहले, फिर इनको मिला, मैं भी नाराज हुआ, जहां मैं नहीं करूंगा, मेरे को क्यों नहीं दिया। हमने अपनी बात करी, उसके बाद ये मेरे पास आए, हम चल पड़े, हमने खूब काम किया। ये मेरे पिताजी का टिकट नहीं है भैया, आनंद साहब थबानी से आप, मेरे पिताजी ने मेरे को डोखरों खड़ो दे लेकिन टिकट नहीं दिया था, वो तो हाई कमान का था भाई। आज इनको मिला है तो ये किसी की भोपोती नहीं है, इसका मतलब हम अगर हम भाजपा के लिए काम कर रहे हैं तो कोई इवेंट बट होनी नहीं चाहिए, कोई मतलब नहीं। मुझे फोन आ रहे हैं लोगों को, हम तो बीजेपी वाले है भाई, हमने तो भाई ये हमारे गले में ही बीजेपी का डोल है, इसको बजाओ।
आज कुछ करो। तो मेरा ये कहना है कि आज आप जो संगठन का पाठ पढ़ाते हैं, रतन जी, रमेश जी, क्या पढ़ाते हैं आप, नीतू जी, क्या पढ़ाते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी। ये नहीं पढ़ाते कि एक व्यक्ति की बात हो। अरे व्यक्ति तो आते जाते रहते हैं, लेकिन विचार जो जिंदा रहता है, जो आडवाणी जी ने दिया, जो अटल जी ने दिया, जो हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया है कि हम उनके लिए काम करेंगे, जो समाज का आखिरी छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उसी तरह से सरकारें चल रही है, मोदी जी वो काम कर रहे हैं। आज देखें आपके कितने करोड़ों आवाज दे दिए, लाखों आवाज दे दिए। ऐसे नहीं है वहां पर उत्तर प्रदेश में, ऐसे नहीं आ रहा योगी काम करके आ रहा है, मोदी की योजनाओं से आ रहा है। हिंदू ना मुस्लिम सबको एक दृष्टि से देखा है। किसान सम्मान निधि, आप वीरेंद्र राणा जी बोल रहे थे कि यहाँ पर जो कितने करोड़ मिला, वो जो बीमा, वो तो बढ़िया ही काम है, वो अच्छा काम रहा था। थोड़े से रुपया लाओ, बैठ बैठ के आराम से। अरे और लोग बोल रहे थे कहा लोगों को दिए, ये तो लोग बोल, हाँ अरे मेरे को बोला लोगों ने, बोला जा मजाई मजाई रहा है यार, बोलो बस 1,00,000। जिसके पास बड़ी बिल्डिंग ऐसी कहते हैं आवास होगी, उसी को आवास मिलेगा, उसी को अनुदान मिलेगा। तब मेरे को याद आता है अंधाधुंध के राज में गधे पंजरी खाए, सचन तो भूखे मरे ठलुए मौजूद। जो बीजेपी वाले थे सिर शैली जो ठीक है, जो कांग्रेस थे तीन खे भरियो खूब खाया, जो छोटा था जो तीन को झाड़ू ला था वो भी करोड़ों में खेल रहा है। ये क्या बात है भाई, ये क्या बात है। यहाँ पर खत्म हो गया ये जो डिजिटल इंडिया का जो हुआ है, उससे जो वो खुद राजीव गांधी कहते थे कि 100 रुपए बेचता हूँ इतने पहुंच बोल रवि में, वो खा जाते थे बिचौलिए। अगर ये किसान सम्मान निधि जब लोग के थ्रू आओ थी तब तुम्हारे छक छूटते थे, एक ना तो नहीं दूधार बैठते थे, लेकिन नहीं वो सीधे आपके खाते में काय भ्रष्टाचार। मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा आप सब लोग, भाई ठीक है हम ये कह रहे हैं, हम कोई गलत नहीं कहेंगे, हम किसी प्रत्याशी के लिए चाहे वो दूसरे दल का हो उसको गलत मत बोलो, लेकिन आपका ये अधिकार है। अब हमारे ऐसे हमारे कोशे कैसे हो सो, हमारे कोशे ऐसे है कि शर्मा जी हम ताऊ साऊ है हम तेरे साथ लेने तू बोल रहा की छे बोले कुछ तो मेरा ये कहना है कि ये जो पार्टी है इतना भी बड़ी बात है, जैसे वीरेंद्र ने कहा कि आप जो है ए पार्टी, यहाँ चाहे कोई नतीजा निकले लेकिन आप बीजेपी के सदस्य हैं, उस पार्टी के सदस्य हैं जिसके अंदर मोदी योगी और बड़े बड़े लोग हैं। अब इनकी बात करूं मैं, आपके जो प्रत्याशी हैं ये इतना सच्चे व्यक्ति और इतना शक्तिशाली व्यक्ति और इतना कुछ कर गुजरने की जो है, इन्होंने बहुत संघर्ष करते रहे। ये जो नवीन चक्राता वाला सुन रहे होंगे ना, ये मुझे याद पड़ता है, पिताजी भी थे मेरे स्वर्गीय पिताजी और रामचंद्र नौटियाल संघर्षरत रहे। बाद में जो सरकार आई कांग्रेस की वो जाते जाते कर गए कि इसको निरस्त करो, वो शायद मैं देख रहा हूँ उसमें भी आया है, आप जो पढ़े लिखे लोग तरफ सोच। और मैं आपको एक बात बता दूं कि इनके पास इतनी ताकत है, अगर कोई ये दिखाए ना आंख दिखाता है तो भैया वो रामचरण नौटियाल को नहीं दिखा सकता। पहले वो ये सोच रहे कि रामचरण नौटियाल के कार्यकर्ता को अगर किसी ने कुछ कहा तो ये समझ लो कि उसने आफत मोल ले ली अपने। सुन लो मैं कह रहा हूं कि वो हो नहीं सकता। और दूसरा आपको एक बात और बता दूं कि अगर ये विजयी होंगे, जैसा पूरे में मैं देख रहा हूं कि हम लोग जो है अभी सैया में था मैं और कालसी में था मैं, तो तमाम खत की खत है, मन बना दिया कि भाई हम आपको ही करें, क्योंकि ये जब जिला पंचायत के अध्यक्ष थे उस समय उन्होंने, इन्होंने एक ऐसा अपना एक पहचान बनाई है,
ऐसी कार्यशाली स्थापित करी पंचायत के अंदर जिला पंचायत में कि वहां पर कमीशनी का मशीन, इन्होंने खत्म करा उसको। इन्होंने मेरे ख्याल से 5-10% भी नहीं हो, तो इनके द्वारा कराए गए कार्य आज भी दिखते हैं, आज भी दिखते हैं। जुबिन नोटियाल जी आ गए हैं और इनके, मैं एक बात और आपको बता दूं कि ये तो ऐसे धन्य हैं आप, आपने ऐसे पुत्र को आपने जन्म दिया है जो हमारे देश में नहीं विश्व में जिसका ढंका बजता है, हजारों हजार करोड़ों लोग उसके कायल हैं। और जो शर्मा और हमारे बीच, और एक बात और बताऊं कि ये लड़का, ये बच्चा हमेशा ये कहता कि मैं जोनसर, कभी अपनी पहचान को नहीं छुपाता। ये बहुत बड़ी बात है और समय नहीं है मैं आपसे बहुत बात करता, हम लोगों ने, हम आपके रात दिन रात के, मैं आयोग में हूँ, मैं सबको ये कहता हूँ, जू तो मुंह ढावला उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। ये बैठे हुए यहाँ पर प्रधान जी, ये प्यूनल वाले हों, डेरसा वाले हों, कहीं के हों, मैं सबकी क्लास लगा सकता हूँ इनके सड़कों के लिए, इनकी समस्याओं के लिए। किसी का मुआवजा नहीं मिल रहा, किसी का कुछ नहीं हो रहा, किसी का थाने में कुछ है, तो अधिकारी सब लोगों को जाना है, आप जाइए, महिलाओं में कहिए कि भाई ये परिवर्तन करिए, और परिवर्तन होने वाला है। और उत्तराखंड के अंदर आप देख रहे होंगे जो सर्वे आ रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत भारी बहुमत के साथ बन रही है। और कितनी योजनाएं जो आपके लिए है, कितनी ही योजनाएं हैं, मैं अगर हम गिनाने बैठूं तो फिर समय निकल जाएगा। तो मैं बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए, क्योंकि मैं भी इस क्षेत्र का रहने वाला हूँ, और बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। हम लोग भी जब लड़े तो हमने उस प्रीतम सिंह के खिलाफ हजारों वोट जो मिले वो मुझे यहीं से मिले, इसी बावर क्षेत्र से, और देवघर, और आज भी हम उसी रिजल्ट को दोहराएंगे। मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय। धन्यवाद शर्मा जी। और हमारे बीच में जुबिन नौटियाल जी पहुंच गए हैं, मैं उनका भी त्यूनी मंडल की ओर से यह आगमन पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगा, और तमाम कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि जोरदार तालियों से और नारे लगाकर स्वागत करेंगे जुबिन नौटियाल। धन्यवाद। हम सबके बीच विश्व का वो सितारा पहुंच चुका है जिन्होंने जौनसार बावर का मान बढ़ाया है, और अपने सुंदर गानों से सबको नचाने में कामयाब रहे हैं। आज हमारे बीच पहुंचे हैं आपका त्यूनी मंडल की ओर से त्यूनी आगमन पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सभी कार्यकर्ता बैठ जाएं, और मैं रतन सिंह चौहान जी से निवेदन करूंगा कि आप माल्यार्पण करके, माल्यार्पण करके जुबिन नौटियाल का स्वागत करें। और हमारे बीच में सतीश कपूर जी विधानसभा प्रभारी चक्राता, वो भी हमारे बीच पहुंचे हैं, आप भी आगे आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। और मैं निवेदन करूंगा मंडल के जो हमारे महामंत्री है नीरज शर्मा जी, आप कपूर जी का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। और हम सबके बीच पहुंच चुके हैं, तो तमाम जितने भी यहाँ पर कार्यकर्ता बंधु है काफी बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे थे जुबिन नौटियाल जी का, तो आपने अपना इसके लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। और मैं निवेदन करूंगा मैं आमंत्रित करता हूं
जो हमारे भाजपा के जो प्रत्याशी है हमें आमंत्रित करता हूं। अमित चौहान जी जो हमारे बीच पहुंचे हैं, आप भी अपने विचारों को रखें और इस चुनाव में ऐसे पिछले वर्ष भी आप लगातार हमारे बीच थे और आप भी बहुत ओजस्वी है और युवाओं की एक शान है। आप तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधन करें। अमित चौहान जी, देवघर एवं बावर क्षेत्र के मध्य की तपोस्थली एवं तौंस से निकलते हुए तौंस के तट पर आज अपने पड़ोसी क्षेत्र के मध्य अपने जितने भी सभी यहाँ जन है उनके बीच मेरे को आने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके तहत जो जोश और खरोश हमने पिछले मर्तबा 2017 में भी देखा था उसी की एक झांकी में अपना वक्तव्य शुरू करने से पहले ताकि देवदार भी गूंजे, बावर भी गूंजे और जहां जिस स्थल पे हम खड़े हैं आज त्यूणी वो भी गूंजे और ये आवाज चौपाल क्या निर्वा तक पहुंचे। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि मैं कुछ नारा लगाऊंगा और आप मेरे सामने जो जय बोलेंगे वो ऐसा जयकारा होना चाहिए कि यहाँ से जो हमारा जो चुनावी आगाज यहाँ से शुरू हुआ है उसकी एक आपकी जो आवाज है गैरसैंण और देहरादून की विधानसभा तक पहुंचे। भारत माता की जय। जानी लगे कि देवगारी और बावरी एक बार जबरदस्त ढंग से की आवाज आपकी आरा कोट और पुरोरा तक भी पहुंचकर इसका आगाज और एक हृदय आपका प्रफुल्लित हो जाए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मंचासीन उत्तराखंड की विधानसभा में आपके एक नए रिकॉर्ड को दर्ज करने वाले और आपके आने वाले समय में यहाँ पर विकास के द्योतक और मसीहा साबित होने वाले और अपने कर्मों से आपके पिछले कोरोना काल में भी जिन्होंने यहाँ पे एक आपके प्रति एक समाज सेवा के एक एक भाव से ओतप्रोत ऐसे हमारे आपके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्रीमान रामशरण नौटियाल जी, मंचासीन हमारे अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रदेश के अध्यक्ष श्री मूत्रा मूर्तराम शर्मा जी और जिनके पिताजी यहाँ से यहाँ पे बड़े शिवराम जी भारतीय जनता पार्टी के मैं कहूंगा एक संस्थापक रहे हैं और मेरे साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर आप मैं कहूँ स्तंभ आवाज लहर और एवं एक जागरूक हमेशा लोगों की आवाज बनकर ऐसे हमारे प्रताप रावत जी, मंचासीन हमारे साथ यहाँ के एक युवा नेता जिनका मैंने नाम बहुत सुना था बट आज इनसे मिलने का मौका भी मिला, ऐसे हमारे बड़े भाई वीरेंद्र राणा जी और पूरे पहाड़ की आवाज पूरे विश्व में विख्यात हमारी सुरीली आवाज के मालिक हम सब के पहाड़ियों की जन मन की आवाज ऐसे मेरे छोटे भाई जुबीन नौटियाल जी, उनका मैं हार्दिक तालियों से दमदार ढंग से एक बार इनके लिए जबरदस्त तालियां बजाए। इसी मंच पर मेरे साथ उपस्थित मेरे छोटे भाई इस विधानसभा क्षेत्र के चुनाव प्रभारी श्री सतीश कपूर जी और आपके मंडल के यहाँ पर अध्यक्ष जिन्होंने पिछली मर्तबा भी विकट और विपरीत परिस्थितियों में हमारा पूरा संपूर्ण साथ दिया है, ऐसे हमारे छोटे भाई जिनको रतन टाटा के नाम से भी यहाँ पे विख्यात है रतन सिंह चौहान जी, इनका भी मैं स्वागत करूंगा और मैं स्वागत करूंगा इस मंच में जो संपूर्ण यहाँ की युवा शक्ति वरिष्ठ जन हमारे जितने भी यहाँ पे मातृशक्ति जो इस संख्या में जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, जब मैं अभी सुबह 5 बजे विकास नगर से चला और चकरौता होते हुए कोटी कनासर से पहुंचते हुए रोटा खड़ से जब मैं यहाँ पे पहुंचा तो नौटियाल जी जिस तरह का मैं आपको एक अग्रिम बधाइयां देना चाहूंगा, अग्रिम बधाइयां इसलिए देना चाहूंगा कि जिस तरह का आपके पक्ष में और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरे जौनसार बावर में यह कहूंगा विधानसभा चकरौता में जो एक यहाँ पे एक माहौल और एक लहर बन चुकी है उसका जो एक संपूर्ण एक जो परिणाम है वो तो हालांकि 10 मार्च को ही आएगा लेकिन एक लहर और जो जुनून जो लोगों के बीच भारतीय जनता पार्टी के योजनाओं के स्वरूप यहाँ पे आया है और आपकी यहाँ पे जो नेत्री हैं मधु चौहान जो हमारे मध्य आज नहीं है क्योंकि किसी कारणवश अस्वस्थ हैं लेकिन उनके भी जो यहाँ पे कार्यशैली रही है उस सबको देखते हुए और जो हमारी संपूर्ण जो मंच पे उपस्थित जो टीम है वरिष्ठ जन है किन्हीं के मैं नाम भी नहीं ले पा रहा हूँ जिनके मैं
परिचित नहीं हूं, लेकिन मेरा आपसे यही कहना है कि जिस तरह से पिछले कुछ दिन पहले हमारी यहां पे 5 खतों की बैठक विकास नगर में हुई थी हरपटपुर में, तो जिस तरह का माहौल मैंने वहां पे भी पाया था, तो मैं ये देख रहा हूं कि निश्चित तौर पे जो चकराता विधानसभा की सीट है, ये पुराना 72 सालों का जो आपका यहाँ पे एक जो चला आ रहा है, एक समीकरण चला आ रहा है, वो आपने निश्चित ही मुझे लग रहा है कि ये बदलने वाला है। और मैं आपसे यही आह्वान करूंगा, बिशन सिंह राणा जी भी हमारे मध्य बैठे हुए हैं और भी कई वरिष्ठ जन पिछले जो हमारे कार्यकर्ता यहाँ बैठे हुए, सबके नाम नहीं मिले पाऊंगा, लेकिन मेरा आप सबसे यही आह्वान है कि आने वाली 14 फरवरी को भारी से भारी बहुमत से रामशरण नौटियाल जी को, भारतीय जनता पार्टी जो हमारे यहाँ पे उम्मीदवार है, इनको भारी से भारी बहुमत से जो विजयी बनाए और पुनः भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है देहरादून में लाएं और भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है वो लहराएं। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को, अपनी जो सागर को गागर में लाने की कोशिश करूंगा और आपसे पुनः विनती करूंगा कि यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रामशरण नौटियाल को भारी बहुमत से विजय बनाएं। जय हिंद, जय जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद चौहान जी। इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूं और हम सबके बीच नरेश चौहान जी आप भी पहुंचे हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विधानसभा संयोजक है चकराता के, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं माफी चाहूंगा आप सभी तमाम कार्यकर्ताओं से, क्योंकि कुर्सियां बहुत कम है, इसलिए आज भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है, तो आप सभी पार्टी के कार्यकर्ता है, परिवार के सदस्य है। इसी कड़ी में मैं अब उस युवा शक्ति को आमंत्रित करना चाहूंगा जिसको सुनने के लिए आप सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और जो विधानसभा के जो प्रत्याशी है हमारे रामशरण नौटियाल जी, उनके सुपुत्र श्रीमान जुबिन नौटियाल जी, नौटियाल जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि आप जुबिन नौटियाल जिंदाबाद, जुबिन नौटियाल जिंदाबाद, रामशरण नौटियाल जिंदाबाद, चप्पा चप्पा भाजपा, चप्पा चप्पा भाजपा, पुरत राम शर्मा जिंदाबाद, पुरत राम शर्मा जिंदाबाद, नौटियाल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, प्रताप रावत जिंदाबाद, वीरेंद्र राणा जिंदाबाद, आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मेरे पिता समान सब गुणी जन बैठे हैं यहाँ पर, मुझे बोलते हुए डर लग रहा है, इसलिए मैं असल में आखिरी में बोलना पसंद करता हूँ जब सब बोल देते हैं। चलिए, आज मेरा नंबर सबसे पहले आ गया। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे सारे भाई यहाँ खड़े हैं, तोमर साहब, सारे मेरे कार्यकर्ता, देश भाई, किसी का नाम नहीं ले पा रहा तो माफ कीजिएगा। जौनसार बाबर मेरी माँ है, जौनसार बाबर मेरी माँ है, और जो यहाँ के हमारे देवता हैं वो मेरे पिता हैं। आज आप सबके बीच आकर के मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ प्रचार चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनों के बीच आया हूँ, अपने घर आया हूँ। देखिए, यहाँ पर हम सबकी भावनाएं इस तरह से जुड़ी हैं कि क्षेत्र पे कभी भी बात आती है, क्षेत्र पे कुछ भी आँच आती है, तो मुझे लगता है जौनसार बाबर का एक एक युवक, एक एक स्त्री और एक एक पुरुष खड़ा है। इसी विषय में अगर बात करें तो मैं आज आप सबके बीच आया हूँ, आप सबसे बात करने आया हूँ। यहाँ जौनसार बाबर में एक परिवर्तन की लहर बह रही है और उस लहर का नाम है रामशरण नौटियाल। इस लहर
ये जो लहर है ये इसको आप बीजेपी की लहर कह सकते हैं, पर उससे ज्यादा ये लहर एक सही दिशा की लहर है। ये जो युद्ध है ये अब सही और गलत का युद्ध है। कल हमारे यहाँ एक नेताजी हैं, उनके सुपुत्र ने कहा कि जो ये बंबई वाले हैं ये 14 तारीख को बंबई चले जाएंगे। उनका नाम क्या था याद नहीं आ रहा। देखिए मेरा नाम है जुबिन नौटियाल। मैं अपने परिश्रम से अपनी मेहनत से बनाऊ, मैं अपने पिता के पीछे मैं किसी नेता का बेटा नहीं हूं। मेरा नाम है जुबिन नौटियाल। मैं अपने परिश्रम से अपनी मेहनत से अपना नाम बनाया, इसलिए दावा ठोक के कहता हूं कि 10 मार्च को हम तो कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन आपको विदेश न जाना पड़ जाए। वैसे ही आपको विदेश और विदेश की चीजें काफी पसंद है। आज एक ललकार है इसलिए हम सब यहां खड़े हैं। इस ललकार इस वेव में कोई इंसान कोई ताकत इस वेव को रोक नहीं सकती। जॉन सार बावर में परिवर्तन होगा, इस बार होगा और आप सब देखेंगे कैसे होगा। तो बचपन में मेरा जो पहला गाना मैंने जॉन सारी सीखा मेरे पिता ने सिखाया मुझे। इनको भी गाने का बड़ा शौक है ऐसे बताते और आप तो ताऊजी हो गए मेरे। मतलब मैं इनको अक्सर कहता हूं कि हम ही हो रहे बुड्ढे, आप तो जवान ही हो जा रहे। जब ये 5 साल का था तो मेरा तो इनके परिवार से बहुत ही संबंध रहा है। तो ये 5-6 साल का था, बड़ा शरारती एक आया सांप आया कि वो तो सोमवार और ये लग गया जी मैं तो गले में था। ये माना नहीं इसने अपने गले में डाला, इसकी शायद वो फोटोग्राफ अभी भी है। ये बहुत जीवट का बच्चा। यार गिर ना करना नहीं कोई तो गाना बचपन में गाता था। कांड चुबा कुमिरा उरा कांड चुबा कुमिरा उरा रे ओ पियारुआ बैमा दाग लागा मेरा उरा रे पियारुआ बेमाने कांड चुबा देखिए ये एक कॉन्सर्ट में ना बदल जाए इसलिए मैं बैठ जाता हूँ। चलिए मैं कहता हूँ आप लोग को एक वादा करता हूँ, जाने से पहले वो गाना गा के जाऊंगा आपको इस मीटिंग को आगे बढ़ाते। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो। अरे वो जरा मेरा फोन देना उसमें से। आपको देखो सारे खड़े हो गए।
तो ये गाना मैंने उत्तराखंड के लिए गाया है। मेरी उम्मीद है कि एक दिन ये गाना आगे जाकर के उत्तराखंड का स्टेट सॉन्ग बनेगा। अगर आपको ऐसा लगे तो तालियों से बताएं। जहाँ पवन बहे संकल्प लिए, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहाँ ऊंचे नीचे सब रस्ते भक्ति के सुर में गाते हैं, उस देव भूमि के नाम पे मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। उस देव भूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। है भाग्य मेरा सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ, मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। फिर कहता है, तुम आंचल हो भारत माँ का, जीवन की धूप में छांव हो तुम, बस छूने से तर जाएं सबसे पवित्र वो पांव हो तुम। बस लिए समर्पण तन मन में, बस लिए समर्पण तन मन में मैं देव भूमि में आता हूँ। है भाग्य मेरा सौभाग्य मेरा, मैं तुम पे शीश नवाता हूँ, मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। धन्यवाद नौटियाल जी। अब इसके बाद मैं इसी कड़ी में आमंत्रित करता हूं हम सबके चेते और जिनके कंधों पर इस समय जो जिम्मेदारी दी है भाजपा ने, जो हमारे विधानसभा के जो प्रत्याशी है श्रीमान रामचंद्र नौटियाल जी, आप अपने विचारों से सभी कार्यकर्ताओं में पवित्र भूमि पर आज मेरी ये चुनावी सभा का, जनसंपर्क अभियान का चौथा दिन है और बहुत ही शुभ समय है। महाराज जी के दरबार से होते हुए नोल मंच पर उपस्थित उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष जी आनंद शर्मा जी, बहुत ही ऊर्जावान हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ साथी भाई प्रताप सिंह रावत जी, हिमाचल प्रदेश से हमारे दो नौजवानों ने यहाँ हमें चुनाव में मदद करने के लिए आए, अपनी ऊर्जा देने के लिए आए, आदरणीय चौहान साहब, आदरणीय कपूर साहब, इस मंडल के बहुत ही जुझारू और एक हिम्मतवान साथी जो हमेशा यहाँ अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने लोगों के लिए संघर्ष करते रहते हैं, भाई रतन चौहान जी। हमारी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ जो बहुत ही अपना ज्ञान भी देते हैं, अपनी ऊर्जा भी देते हैं और जिनका एक अच्छा भविष्य आगे, भाई वीरेंद्र राणा जी,
मैं जीवन की कवि नाम दे रहा हूँ, विजय रावत जी। वास्तविक रूप से मैं यदि नाम सबके लेता हूँ तो कुछ समय जाएगा, हमारे संचालक बहुत ही ऊर्जावान आदमी है, तो वो जोगाल जी मैं जानता हूँ। जितने लोग यहाँ मंच पर बुजुर्गवार बैठे हैं, पुराने वाले भाई दौलत राम जी, पूर्व प्रधान और महापुर विद्वान जी, तो मैं इस नाम देने की श्रृंखला को जिन लोगों के नाम नहीं दे पा रहा हूँ, हमारी माताएं बहने, उन लोगों से मैं क्षमा चाहते हुए सम्मानित मंच के रूप में संबोधन करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ कार्यकर्ता माताएं बहने बैठी हैं, नौजवान साथी बैठे हैं, तो आप सब लोगों को मैं तहे दिल प्रणाम करता हूँ। मुझसे पूर्व इस मंच से हमारे पूर्व वक्ताओं द्वारा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी द्वारा क्या क्या काम यहाँ किए गए हैं, किए जा रहे हैं, अभी भी क्या सहायता पहुंचाई जा रही, वो सब आपको विस्तृत में बताएंगे। ये दुनिया का एक अलग उदाहरण है। कोविड टीकाकरण रिकॉर्ड समय में, जोनसार वार्ड में रिकॉर्ड समय में दोनों डोज जो है यहाँ लगाई गई और हम सब देखिए सब स्वस्थ हैं, ईश्वर की कृपा है। और आप अखबार पढ़ते होंगे विदेशों में ब्लैक में 20,000 में कोविड की डोजें बिकी है, मुफ्त वो भी घर पर आकर राशन, मुफ्त राशन मिल रहा है, अभी तक भी मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी का राशन याद है सबको, 500 करोड़ का राशन घोटाला याद है आप लोगों को, 500 करोड़ का वो फाइल पड़ी हुई है सचिवालय में, यहां दबा रहे कभी उस दबा रहे कभी कहीं दबा रहे। राशन की बात पे आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं, वो जो अटाल के नीचे एक राशन का गोडाउन बना है, खाद्य गोडाउन, आपको जानकारी देनी चाहता हूं कि कागजों में अभी अटाल का गोडाउन चल रहा है, वहां राशन आ रहा है जा रहा है, अब पता नहीं टोंस में फेंक रहे या खुद खा रहे या बेच रहे, हमें कुछ पता नहीं इसका अभी तक। वहां जब मैं गया तो एक बहन बाहर आई, हमने पूछा यहाँ तो मोटरसाइकिल भी नहीं आ सकती, राशन कैसे आता है, इधर बकरियां भी बंदी है, तो कहती है कि वो मंत्री जी ने कहा था ये जमीन दे दो तुम और उसके बाद जो है ये तुम्हें एक नौकरी दे देंगे यहाँ। तो अब वो 4-5 साल हो गए, तो अभी हम मिले थे मंत्री जी से, तो मंत्री जी कहते हैं ऐसा करो अब नौकरी तो हो नहीं सकती, ऐसा करो ये गोडाउन ही तुम रखो। तो ये राशन जो हमारे प्रधानमंत्री जी का है, राशन देने का तरीका, और ये हमारे पूर्व मंत्री खाद्य मंत्री जो मंत्री बनकर हमेशा मलाईदार विभागों के लिए लड़ते रहे, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, बात पे आता हूं। यहाँ थोड़ी सी बात सुननी होगी क्योंकि आया हूँ आप लोगों के बीच में, तो मेरा तो दर्द है दिल का, मैं राष्ट्रीय बातें तो एक अलग चीज है, हम लोगों के तमाम किसानों के खातों में जो केंद्र से पैसा आ रहा है वो सब जग जाहिर है, और एक आश्चर्यजनक ड्राइव है ये कि सीधा दिल्ली से ट्रांसफर होता और खाते में, यहाँ कांग्रेस पार्टी के लोग सोच रहे होंगे यार कहीं रास्ता मिल जाता, रास्ते में ही कहीं अगर ये किधर से जा रहा है रास्ता तो छेद करते होंगे।
रहेगा आपके और प्रधानमंत्री जी के बीच में लेन देन, ये दुनिया का ये बहुत बड़ा उदाहरण है। साथियों, मेरा एजेंडा है, मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ, एक एजेंडा लेके आया हूँ, मैं उद्देश्य लेके आया हूँ। मेरा जौनसार बाबा के प्रति एक सोच है, एक उद्देश्य है। मैं यहाँ ठेकेदारी गलदारी करने के लिए ये पंडित बन के नहीं आया हूँ। मैं कमीशन खोरी और ये तमाम चीजें जो यहाँ हो रही है, जो ये लोग करते हैं, मैं इसके लिए आपको कभी, अगर आपको ये लगा कभी, तो आपको चेहरा नहीं दिखाऊंगा अपना। मैं करना चाहता हूँ जौनसार बाबा के लिए, आप मेरा एजेंडे में स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाओं का बताएं आपको जौनसार बाबा का। 60 साल में इस जौनसार बावर में यहाँ 1135 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, ये छोटा नहीं होता है। इधर हिमाचल, उधर उत्तरकाशी और टिहरी, उधर पछवाड़ा।